अस्सलाम वालेकुम। कंट्रोवर्सी टुडे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और जैसा कि आपको मालूम कि अब तक की अहम ख़बरें और उन ख़बरों पर हमारे तबसरा निगारों की राय, गर्मियां जो हैं और ख़ास तौर पे पसीने वाली गर्मियां, वो पाकिस्तान के अंदर सियासी सरगर्मियों के लिए गैर मौजूं ख्याल की जाती हैं। और अमूमन जून जुलाई जो होते हैं, मई जून जुलाई, वो गैर सियासी महीने समझे जाते हैं, ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स ज़्यादा होती है। लेकिन इस दफ़ा ये गर्मियाँ खाली नहीं गईं और इन गर्मियों में सियासी सरगर्मियों में इजाफा हो रहा है। कल मरियम नवाज शरीफ साहबा ने बहाउद्दीन मंडी बहाउद्दीन के अंदर अपना वो जलसा किया, आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जाके KPK में किया, और वज़ीर आज़म ने अपनी पूरी टीम को हदायत दी है कि इनका हर जो है प्लेटफॉर्म के ऊपर डट कर जवाब दें। लेकिन जिस तरफ वज़ीर आज़म की ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है वो ये है कि मिस रिपोर्टिंग ना की जाए और हकायक को उनकी फेस वैल्यू पे लिया जाए। पंजाब के अंदर जो ट्रेडर का फोरम हुआ है, उस फोरम के अंदर जो तीन लोग थे स्टेज पे बैठे हुए, वो थे जिन्होंने 2018 का इलेक्शन PTI की टिकट से लड़ा था, और अब वो ट्रेडर पॉलिटिक्स के अंदर PTI की हकूमत के मुखालफत में बैठे हुए थे। कम से कम पार्टी को टिकट देते हुए ये तो ख्याल रखना चाहिए था कि इस बंदे की कितनी लॉन्ग लास्टिंग हो सकती है। बहरहाल आप इसे ये भी कह सकते हैं कि पार्टी को अंदर से बगावत का सामना है। एप्टमा जो पिछले दिनों ये प्रेस रिलीज जारी करके फर्ज से फारग हो गई थी कि हमारा हड़ताल से कोई ताल्लुक नहीं है, आज उसके मरकजी और सुबह पंजाब के सदर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर उन्होंने कहा कि हम इस माह के बिजली और गैस के बिल अदा नहीं करेंगे, क्योंकि 9 माह पहले हुकूमत ने हमसे वादा किया था कि $6.50 पर MMBTU पे आपको गैस मिलेगी और 7.5 सेंट फी यूनिट के ऊपर आपको बिजली मिलेगी ताकि हम एक्सपोर्ट बढ़ा सकें। लेकिन इस वादे की बहुत ज़्यादा ट्वीट्स भी जारी हुई, प्रोग्रामात भी हुए, वादा वफा नहीं हुआ। वो कहते हैं जी आपने ख़त्म भी करना है 1 जुलाई से, तो ख़त्म कर दीजिए, लेकिन जो 7 माह का आपने हमें लारा लगा के रखा और कहा कि नोटिफिकेशन भी हो गया है, वो फाइनेंशियल इम्पैक्ट तो हमारा हक बनता है, लिहाजा हम चाहेंगे कि हुकूमत ये फाइनेंशियल इम्पैक्ट जो है इसको एडजस्ट करे और हम इसलिए बिल अदा नहीं करेंगे, और अगर हमारी कोई बिजली या गैस काटेगा तो हम बिजली और फैक्ट्रियां बंद कर देंगे। एप्टमा जो है वो अदारा है जिसने एंड ब्लॉग एज ए इंस्टीट्यूशन PTI की पूरी कैंपेन को फाइनेंस किया है। मैं एज ए अदारा बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल तो हर एसोसिएशन के अंदर होते हैं। तीसरी बात यह है, इस बात को बड़ा लिया गया कि कराची के अंदर जो ट्रेडर के साथ हो गया, कराची के अंदर ट्रेडर के साथ सिर्फ सीज फायर हुआ है, गवर्नर जो है सिंध, उन्होंने उनके साथ मुजाकरात किए और उन्होंने कहा है कि आप अपनी 3 रोज़ा हड़ताल जो आपने कॉल की है वो 1 माह के लिए डेफर कर दीजिए, मैं आपके मुतालबात FBR तक पहुँचाता हूँ और उन मुतालबात के नतीजे के अंदर आपको कोई कंसेशन ले कर देता हूँ। पाकिस्तान के अंदर हर उस शख्स को जो कमाता है उसे टैक्स देना चाहिए। पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी टैक्स नेट के अंदर नहीं है, ये बहुत ट्रेडर कम्युनिटी जो है वो टैक्स नेट में नहीं है, और ये हर हकूमत की मुजामत करती रही है, हत्ता के जनरल परवेज मुशरफ के माशाल्लाह के भी इन्होंने दांत खट्टे किए थे और अपने ऊपर टैक्स नहीं लगने दिया था, और अब जो है वो इसके ऊपर फिर इस हकूमत के साथ इनका मुकाबला है। मेरी हमदर्दियाँ जो हैं वो हकूमत के साथ हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि अगर मैं टैक्स देता हूँ तो तमाम लोगों को टैक्स देना चाहिए, किसी न किसी सूरत में उसके ऊपर टैक्स उसे लगना चाहिए। ये हमारा आज का पहला मौजू रहेगा। दूसरा मौजू जो है वो आज 8 जुलाई का दिन और वानी मरहूम की बरसी, एक नया वलवला दिया उन्होंने और पुलवामा, कुलगाम, शोपिया में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई ताकि वहाँ पे होने वाले जो मुजाहरे हैं, ज़ाहिर मीडिया ने तो दिखाने नहीं है लेकिन अगर सोशल मीडिया से भी जा पाएँ तो वो हो जाए। उसके बाद हमने देखा कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शहादतें हमें आईं,
पैरेलल प्रोपेगंडा भी हुआ कुछ सोशल मीडिया आईडीज की तरफ से कि जी ये वानी साहब, बुरहान वानी साहब शहीद और उनका जो ग्रुप था वो आईसिस की आइडियालॉजी से मुतासर और फलाना और ढमकाना, ये एक पैरेलल प्रोपेगंडा भी सोशल मीडिया पे किया गया। ये हमारे आज के मौजूदात, आज के मेहमानों का आपसे तारुफ करवाते चले। मियाँ सैफुररहमान साहब मेरे सीधे हाथ पे तशरीफ़ रखते हैं। मियाँ साहब जो हैं वो बड़े सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार हैं, कॉलम भी आप लिखते हैं अंग्रेज़ी के अंदर, और इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं इसार राणा साहब, यंगेस्ट एडिटर ऑफ प्रिंट मीडिया। क्या आज आपने हुकूमत के हिमायत का ऐलान कर दिया कि इस मामले में हुकूमत के साथ हूँ? नहीं, मैं अक्सर हमदर्दी का लफ्ज़ जायज मामले में हर बंदे के साथ होता हूँ, इसलिए क्रॉस फायर में मारा जाता हूँ। ना इधर वाले कबूल करते हैं, उधर वाले ऑन करते हैं, इसलिए जर्नलिस्ट तो मारा क्रॉस फायर में जाता है ना। और सही बात पे सही स्टैंड लेना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। जी कोई भी हो, ठीक है ना जी, आपको उसकी जो सच है उसका साथ देना चाहिए। अपना टाइम पूरा कर चुके हैं, ऑब्जेक्शन न कीजिए। अब आपने टाइम पूरा कर दिया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं टाइम की निशानदेही करते हुए ब्रिगेडियर गजनफर साहब। हम ये वैसे दूसरे टीवी चैनल पे ये दिफाई तजिया निगार होते हैं, हमारे यहाँ ये सियासी तजिया निगार है। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया। और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली मुमताज़ भट्टी साहब, हमारे ब्यूरो चीफ हैं दिन मीडिया ग्रुप के और सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार हैं इस्लामाबाद के। मेरा ख्याल है कि मैं राणा साहब से आज शुरू करूं, मैं लाइन तोड़ दूं आज। राणा साहब, सियासी सरगर्मियां एक तरफ, और नॉर्मली हमने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई फाइनेंशियल रिफॉर्म की बात होती है ना, तो सियासी घुमणघेरी में वो गुम हो जाता है। ठीक है, एप्टमा की डिमांड जो है वो जेन्युइन हो सकती है, लेकिन ट्रेडर की डिमांड जो है कि असी टैक्स नहीं देना एट एनी कॉस्ट, ये तो इसकी तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं। अच्छा देखिए रजी साहब, हो जब महंगाई होती है ना तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी ट्रेडर होता है, चीजें उसके पास स्टॉक में होती हैं। अभी लेकिन कितना मैं एक बात कर रहा हूं, उसका चाहे एक रुपए का फायदा होता, आपको तो नहीं हुआ कभी, हमें तो लॉस होता, कभी हमें तो लॉस होता है, उनको फायदा होता है। और महंगाई हो भी तो वो तो कीमत बढ़ा देते हैं, उनका तो मार्जिन कहीं कम नहीं होता, वो तो वहीं पे स्टैंड कर रहे होते हैं। ठीक है, और पाकिस्तानी हम जितना मर्जी चीखें रोएं लेकिन हम शॉपिंग भी अपनी पूरी करते हैं, कहीं कोई कमी नहीं आने देते, और दुकानें अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही भरी होती जी। शादी पे तमाम बच्चों ने नए कपड़े जरूर बनाने, ईद के ऊपर नए कपड़े लाजमी बनाने होते हैं दो दो, और अगर उनसे दो महीने पहले कह दो कि आप पहले बना लें तो वो कहते हैं जी ईद के करीब फिर शॉपिंग क्या करेंगे अगर अभी हमने कर ली। सो बेनिफिशियरी ट्रेडर्स होते ही होते, हमारे मसाइल एक जैसे ही, अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके भी उतने पैसे कटे होंगे जितने मेरे कटे, कोई ऐसी बात नहीं है, ये सारा हम क्राइसिस हम पे ही आया है। ठीक, सफेद पोश तबके के ऊपर हमारे हम कट लगे, दूसरी तरफ से महंगाई बढ़ गई, हम तो पिसके रह गए, पिसके रह गए, डबल प्रेशर आया ना। लेकिन उसके बावजूद जब आप हंसते हैं तो खुदा गवाह मुझे खुशी होती है, यार इस ऐदे सितमगर में गमे इश्क के मारे जिंदा है, यही बात बड़ी बात है प्यारे, वाह वाह। तो हम बड़ी बात वाले लोगों में से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो मैं ये देखें अब रजी साहब, मैं ये समझता हूँ हम मुल्क से, वतन से, मट्टी से मोहब्बत के दावे बड़े करते हैं, लेकिन हम उसके लिए कुर्बानी देने को तैयार नहीं है, हम उसके लिए एक इंच भी अपने मार्जिन में से एक रुपया भी छोड़ने पर तैयार नहीं है। हाँ, अगर हुकूमत, ये मैं ये समझता हूँ कि ये भी हुकूमत की क्रेडिबिलिटी को चैलेंज, क्रेडिबिलिटी नहीं है ना, अदरवाइज वो टैक्स मांग रही है जो उसका हक है, अगर उसकी क्रेडिबिलिटी होती तो लोग दे भी देते, तोहन करन दे ही देते, लेकिन क्रेडिबिलिटी का भी मामला बना हुआ है, और ये क्रेडिबिलिटी एक कंटिन्यूटी का हिस्सा है कि जो क्रेडिबिलिटी नहीं बनी। सो मैं ये समझता हूँ रज साहब कि ताजरों को ब्लैकमेल करने के बजाय, और हुकूमत को और एक्सप्लाइट करने के बजाय ताजरों को अपना रोल अदा करना चाहिए, वो क्यों नहीं देंगे टैक्स? मैं सुबह से लेकर रात तक 13वां घंटा काम करते हुए मुझे, और मेरी तनख्वाह में से टैक्स कट जाएगा, हालांकि मेरे पर टैक्स वाजिब भी नहीं बनता, मेरे तो घर के खराजात पूरे नहीं होते, फिर भी हम टैक्स देते हैं, तो ये लोग क्यों नहीं दे सकते टैक्स? ठीक, और इन मुझे एक बात का जवाब दें
कि ये जो लोग इस तरह जत्थे बना के और कन्वेंशन करके और ये करके हुकूमत को ब्लैकमेल करते, पाकिस्तान ये इसमें कोई शक नहीं है, ब्रिगेडियर साहब भी इस बात की गवाही देंगे, हम एक शदीद खौफनाक किस्म के क्राइसिस में से गुजर रहे हैं, जिस हुकूमत के पास अब इतने पैसे भी ना रहे हों कि वो हुकूमत, वज़ीर आज़म जो है बार बार आके चंदे की अपील करे, चंदे की अपील हो गई ना एक तरह से, वज़ीर आज़म का खर्चा, उसका खर्चा बढ़ गया, नहीं वो बढ़ गया होगा, मुझे लगता है कि वहाँ पे 18 करोड़ बढ़ गया, तो उसके कोई जस्टिफिकेशन डेफिनेटली होगी, लेकिन असल चीज़ यही है रजी साहब कि बींग पाकिस्तानी, अगर हम अपने आप को पाकिस्तानी समझते हैं तो हमें बातों से निकल के अमली तौर पे पाकिस्तान की मदद, और पाकिस्तान को इस वक्त जरूरत है, बिल्कुल ठीक है, हमें जरूरत है, बिल्कुल ठीक, ठीक, ठीक। बगैर साहब आप तो उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा थे मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर, और बड़ा हमने एज ए रिपोर्टर उसको कवर भी किया हुआ, लेकिन उस वक्त हम एक अखबार के कॉमर्स एडिटर होते थे, तो उस वक्त बड़ी कमिटमेंट नजर आ रही थी हमें कि इस दफा इन पर टैक्स लगेगा, लेकिन मुशर्रफ साहब को पॉलिटिकल सपोर्ट की ज़रूरत थी, और ताजर वेंग एक बना, ठीक है, और उसके नतीजे और के अंदर कभी कभी उनके ऑफिशियल्स की हिस्ट्री निकाल के देखी, हाँ हाँ वो सारे हमसे पूछ रहे हैं सर, हाँ देखिए वो सारे जितने वो आलम मार के उस इलाके के थंत्रोट थे ना, वो सारे उसके मेंबर, ठीक है। अब आप ये देखिए कि और टैक्स नहीं लग पाया, मुशर्रफ साहब को पॉलिटिकल सपोर्ट की जरूरत थी, उन्होंने पॉलिटिकल सपोर्ट ले ली उनसे और टैक्स डेफर हो गया। बाकी गवर्नमेंटें तो आती ही उनके फाइनेंसिंग से है ना, ठीक है, तो ये इस दफा भी आपको लगता नहीं है कि जैसे ही उनकी तरफ टैक्स लगने की बात गई है पॉलिटिकल हीट जो है वो बढ़ गई है या बढ़ा दी गई है? असल में दो चीजें कहना चाहूंगा बड़ी ब्रीफली। एक तो ये कि मुशर्रफ साहब के ज़माने में फिज़िकल रेजिस्टेंस जो थी ना दुकानों पे बहुत बहुत ज़्यादा हो गई थी, लॉ एंड ऑर्डर का मसला बड़ा स्ट्रांगली आ रहा था, और उस कैंपेन को लीड कर रही थी फ़ौज, यानी 11 डिवीज़न था जिसमें कस्टम्स को इंटेग्रेट किया हुआ था, जिम्मेदार जन जावेद साहब होते थे, तो उसमें कुछ ऐसे नाखुशगवार वाक़ात हुए कि जिसमें कहा यह गया कि फ़ौज को इस चीज़ में कन्फ्रंट ना किया जाए सिविलियन शॉपकीपर से, और कि एक दो एनसीओज और एक कस्टम का आदमी जा रहा है। एक तो ये वजह, दूसरी आपने वजह इंडिकेट की पॉलिटिकल सपोर्ट, हालांकि मेरी नज़र में उस वक्त मुशर्रफ को पॉलिटिकल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जो पॉलिटिकल सेटअप बना था उसमें ताजर नहीं थे, उसमें सारे के सारे जितने लोग थे वो पॉलिटिशियंस थे, और वो जो लोग थे वो उन्हीं पॉलिटिशियन, अगर कोई ग्वालमंडी का था तो वो ग्वालमंडी के किसी पॉलिटिशियन से उसका ताल्लुक था, तीफी की बात करें या मकसूद भट्ट की बात करें या किसकी बात, वो बड़े विलिंगली एंड विलिंगली वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करने को तैयार, लेकिन बहर वो कैंपेन आगे नहीं जा सकी और वो कन्फ्रंटेशन की वजह से वो वहीं खत्म। आप फोर्थ स्ट्रीट मुझे दे दे, मैं भी गवर्नमेंट की सपोर्ट करने को मैं यही कह रहा हूँ ना, मर्जी के आप जंगले में लगा ले। तो अब ये चीज थी, उसके साथ साथ आप जब इस वक्त आप देखिए नवाज शरीफ साहब का जब भी टाइम गुजरा ताजर कभी उनसे सेटिस्फाइड नहीं रहे। आज की जो बात है तो दो चीज़ें मैं कहना चाहूँगा, एक तो ये जो आपने स्टेटमेंट दी ना वो टैक्स को बिजली की और गैस वाली, ये हफीज शेख साहब को मैं कोई 10 दफ़ा सुन चुका हूँ ये क्लेम करते हुए कि ये देखिए जी हमने बिजनेसमैन तबके लिए कितनी फैसिलिटीज दी हैं, वो कहते हैं एक आने की नहीं मिली। अब ये यही मैं करूँ, अगर नहीं मिली तो ताजर जस्टिफाइड है इस पर एहतजाज कर, एप्टमा जस्टिफाइड है इन पे एहतजाज करने नहीं, के ये लिए। ताजर नहीं है ये बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट है, ये रोजगार पैदा करते हैं ना, उन्होंने 3 उन्होंने 4 दफा नेशनल इंटरनेशनल फोरम पे कमिट की है जी बिल्कुल, कि जी हम वो गैस में सब्सिडी दे रहे हैं तो इनको, और हम इनको सब्सिडी दे रहे हैं और हमने स्पेशल रेट रखे, क्यों नहीं हुआ वो अभी तक इंप्लीमेंट नहीं, इमरान खान शुड टेक नोटिस ऑफ इट। बिल्कुल, एक चीज, दूसरी चीज ये है कि जो इनके पास जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में एक तो टैक्स का कल्चर है ही जिसके रेट्स के ऊपर आपको कोई ऑब्जेक्ट होगा, दूसरी चीज़ें जो चीज़ें उन्होंने बनानी हैं उसके रॉ मटेरियल के ऊपर जो टैक्सेस लगे हैं उसमें लोग ये कहते हैं कि हम इंटरनेशनल मार्केट में कंपेटेबल नहीं रहेंगे। एब्सोल्युटली राइट, अब ये बहुत बड़ा सवाल है कि आपको अगर एक तरफ गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के जरिए अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं, तो सर जब आप इंटरनेशनल मार्केट में कंपेटेबल होंगे तो आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी ना, आप क्यों नहीं बांग्लादेश से सबक सीखते हैं कि बांग्लादेश की जो फाइबर था, बांग्लादेश की जो अपना टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, बांग्लादेश की जूट के अलावा सर जो उनकी ये शर्टें बन रही हैं, येलो का ब्रांड और जो ब्रांडेड उनकी चीजें आ रही हैं वो किस तरह आगे गई हैं,
हालांकि उनके ऊपर भी बहुत बड़ा कंपल्शन थी तमाम चीज़ों, बिजली की और वहाँ पर जो ग्रामीण बैंक जब चला उन्होंने क्या क्या चीज़ें, तो हमने जो चीज़ें क्लेम की हैं उन पर मैं समझता हूँ कि ताजर तबका जस्टिफाइड है उन चीज़ों को डिमांड करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑलरेडी कमिट कर, बिल्कुल ठीक। अब उसका दूसरा वो पहलू है जो आप फरमा रहे हैं कि वो टैक्स नहीं देना, तो टैक्स अगर आप ये चीज़ें उनको उनके डोर स्टेप पर लेके जाते हैं, उनको सेटिस्फाइड करते हैं, जैसे इमरान इस्माइल साहब ने अगर ताजरों का है तो भाई यू हैव टू सेटिस्फाई देम। और आप ये याद रखिए कि इमरान खान साहब भी कराची गए थे और उन्होंने ताजरों के एक फोरम से खिताब किया था, उसमें कोई 200 के करीब रिप्रेजेंटेटिव थे, और उनकी बाद में करीब ये रही असद उमर साहब उस वक्त फाइनल कि जी जो इमरान खान साहब हमसे चीज़ें कमेंट करके उसको फॉलो अप नहीं हो रहा। बिल्कुल, तो सर हुकूमत अगर फॉलो अप नहीं करेगी, बिल्कुल सही है, तो ये सिचुएशन जो आप ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग माशी कंडीशन में हैं, आज शुक्र ये अपना ATB की जो वर्ल्ड बैंक की कोई एक अगले 5 साल के लिए उन्होंने अपनी प्रोजेक्शन दी है, प्रोजेक्शन दी है कि जी हम अगले 10 साल के गालमन इतना पैसा प्रोवाइड, अब ये चीजें आ रही है ना, तो इन चीजों को आप इकोनॉमी में डालें और इकोनॉमी को स्टेबलाइज करें कंट्रीब्यूटिंगली, उसके लिए कंट्रीब्यूटिंग, बिल्कुल ठीक है ब्रिगेड साहब। ये वर्ल्ड बैंक के लिए हमें काम करना पड़ेगा और काम करने के लिए हमें प्रोजेक्ट बना के उसको पेश करना पड़ेंगे कि आप फाइनेंस कर, मैं यही कह रहा हूँ कि कंट्रीब्यूटिंग जो लोगों की तरफ इफेक्ट, हम एक लेटर नहीं लिख पाए थे सऊदी अरब को डेफर्ड पेमेंट ऑयल के ऊपर जो मार्च में आनी थी और अब जुलाई में जुलाई में आएगी, आना शुरू होगी, देखिए ना वो भी कितना बड़ा, अंदाजा कीजिए कि हम कितने एफिशिएंट लोग हैं सर, हमने तो वकील नहीं किया था लड़ने के लिए, इतना बड़ा मुकदमा, इतना बड़ा मुकदमा जो था आपने वकील ही नहीं किया था, ही वो स्लीपिंग, बिल्कुल ठीक है। अभी ब्रिगेड साहब से चलते हैं भट्टी साहब की तरफ। भट्टी साहब, ये जो जीरो रेटिंग वापस हुई है, जाहिर है इसका एक डिजास्टर इम्पैक्ट तो होगा क्योंकि लोगों के जो है वो जो टैक्स हैं वो लगेंगे, फिर वो रिफंड में जाएंगे, फिर वहाँ पे रिश्वत का बाजार गर्म होगा, ये सारी बातें अपनी जगह पे, लेकिन मेरा जो खदशा है या जो मेरा रोना है वो ये है कि इधर से पॉलिटिकल अपहीवल शुरू हो गई है, इधर से इन्होंने अपना कटा खोल दिया और इसमें इन्होंने फिर बच के निकल जाना। योर टेक। देखिए, एक तो मैं राणा साहब की इसलाह करता चलूं, जो इंट्रो में उन्होंने कहा था आपके हवाले से कि हमेशा आग साज का साथ देते हैं, मैं इसको 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 इंटरप्रेट इस तरह करता हूं, इसकी तशरी कर देता हूं कि हमेशा डूबती हुई कश्ती में बैठ जाते हैं छलांग लगा के रोकने के बावजूद, पहले उनको सपोर्ट कर रहे थे जब वो डूब रहे थे, अब ये डूबने के करीब है तो ये इनको सपोर्ट शुरू हो गए, चले करे भले बंदे का राइट है पढ़ा है ना देख ले फिर। अच्छा, यही हो रहा है, देखिए हम मजलूम के साथ हैं भट्टी साहब। इस वक्त जो मसला है ना रिजवान भाई साहब के हमारे मुआशरे के अंदर सोसाइटी में, जब आपकी इकोनॉमी नीचे जाती है कोलैप्स करती है या आप स्ट्रगलिंग पोजीशन के अंदर होते हैं मुआशी तौर पे, तो आपके जो तबकात होते हैं मुख्तलिफ तबकात होते हैं सोसाइटी के अंदर, उनके अंदर एक कश्मकश शुरू हो जाती है, छीना झपटी शुरू होती है। देखिए, एक वो तबका है, आपने वाकया सुना होगा, रिपोर्ट हुआ अखबारात में भी टीवी पे भी, कि एक वालिद ने अपनी बच्चियों को, वो खाना मांग रही थी और पानी में जहर मिला के दे दिया और ख़ुद भी पी लिया और उनको ये कहा कि इसके ये पी ले, इसके बाद कभी भूख नहीं लगेगी, और वो बच्ची एक जो बच गई जो सरवाइव की, उसने हॉस्पिटल के अंदर ये स्टेटमेंट दी। तो मतलब ये है कि एक ये तबका है हमारे यहाँ और ये थोड़ी तादाद में नहीं है, एक बड़ी तादाद है भी, तो हमारी सोसाइटी जो है तो इस तरह का वाकया हुआ, हमारी हुकूमत वो उन्होंने नहर में बच्चों समेत बेशुमार वाकया इस तरह के बेशुमार वाकया हर दौर मरा रोज मरा हो रहे हैं और हर दौर में हुए हैं। एक तो ये कि हमारे जो हुक्मरान तबका होता है, कोई भी हो, पिछली हुकूमत हो, ये हो, देखें ये इस तबके के लिए कुछ नहीं करती और कभी भी नहीं करती, और इन्होंने भी कुछ नहीं किया, ना बजट में कोई चीज़ ऐसी रखी। सेकेंडली, एक तबका मुराद याफ्ता है, जब जिसकी मुराद के ऊपर हाथ डाला जाता है तो वो जो है जंगो जदल पर उतर आता है और उसके पास वसाइल भी हैं, वो हुकूमतें पलटने का और उलटने का जो है वो भी उनके पास ताकत होती है, पैसा भी होता है, तो ये कार्टल। अच्छा, एक जो है वो राणा साहब ने जो कहा कि एक तबका सफ़ेद पोश है, वो मुतासरा भी होता है मुख्तलिफ पॉलिसी से, लेकिन वो अपने भरम रखने के लिए जो है वो एक्टिव नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ बर्दाश्त करता रहता है और बातों से जो है वो रोना धोना करता रहता है। तो ये आज हम एग्जैक्टली इसी सूरत हाल का शिकार हैं रिजवान साहब।
देखें गवर्नमेंट के ऊपर जो ट्रस्ट था आम आदमी का, वो बुरी तरह एक साल के अंदर शेक हुआ है। जो तवक्कुआत वाबस्ता थी इस हुकूमत के साथ, जिसके तहत लोगों ने इनको वोट भी दिया था, वो उनको लगता है कि उस तरफ ये हुकूमत गई नहीं, उस साइड को इन्होंने देखा ही नहीं। और रह गई बात कि जब ये खौफ और डर पैदा किया जा रहा था, मुख्तलिफ जो कारोबार चलते हुए जो है बंद करवाने के लिए जो काम किए जा रहे थे, उस वक्त हम ये कह रहे थे कि इनको ये नहीं करना चाहिए। आप कारोबार चलने देंगे तो मईशत चलेगी, आप उसको रेगुलाइज ज़रूर करें, लेकिन आप इस तरह की स्टेटमेंट्स दे के, और वो भी टॉप लेवल के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर लेवल के ऊपर, इसको नहीं छोड़ेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे, फलां को ये कर देंगे, फलां को वो कर देंगे, तो ये इसी से हम रोक रहे थे उस वक्त जो हम तनकीद कर रहे थे, और बड़े लोगों को अच्छी नहीं लग रही थी स्टार्ट के अंदर। उसका अब प्रैक्टिकल इम्पैक्ट आना शुरू हो गया रिजवान साहब। प्रैक्टिकल इम्पैक्ट ये है कि लोगों, जिसके पास पैसे हैं उसने ये माइंड बना लिया है कि अगर मैं पाकिस्तान में अपना कारोबार बंद भी कर दूँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एक बंदे के 6 बिजनेस हैं बाहर और एक बिजनेस वो पाकिस्तान के अंदर कर रहा है, तो वो इन चीज़ों को फेस ही नहीं करना चाहता कि कोई उसे गिरफ्तार करने आए, कोई छापा मारे। अब आके वजाहत दी है शब्बर रिजवी साहब ने कि जी कोई छापा किसी गोदाम पे, किसी फैक्ट्री पे नहीं मारा जाएगा, लेकिन इट्स टू लेट, और लोग अपना माइंड बना चुके हुए हैं, वो इकोनॉमी के अंदर उस तरह एक्टिवली पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे जो कि इस वक्त की जरूरत है, या जिस जो मुल्क की इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत है। तो जब पैसा श्रिंक होता है या सक हो जाता है, या उसको आप कह लें निकाल लिया जाता है इकोनॉमी में से, तो फिर यही सूरत हाल होती है जो जिसका आज हमें सामना है। अपना मियां सैफ रहमान साहब जी, बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं और मरियम नवाज शरीफ मुसलसल एक बात कह रहे हैं, और उनको वो बात मैं नहीं समझा कि वो जानबूझ के कह रहे हैं, लेकिन उनको वो गलत बताई गई है कि जिसके अकाउंट में 5 लाख रुपया होगा उससे पूछगिछ की जाएगी। ये गलत बात है। मैं इस प्रोग्राम में इससे पहले दर्जनों बार ये बात कह चुका हूँ कि FBR के अंदर इतने मेरे से बड़े बड़े मोटे बेटों वाले मेंबर कम्युनिकेशन बैठा हुआ है, उसका फर्ज बनता है कि वो आके इसको क्लैरिफाई करे। फिरदौस आशिकवान हर बात करेगी, मैं बात की जगह पे दूसरा लफ्ज लगाना चाह रहा था लेकिन माने आ गई, हर बात करेगी, इसकी क्लैरिफिकेशन नहीं करेगी कि जनाब ये गलत बात है, किसी 5 लाख वाले को हुकूमत जो है वो डिस्टर्ब करने नहीं जा रही, ये 5 मिलियन का लफ्ज है, और 5 मिलियन का मतलब 50 लाख रुपए है, उसमें भी अगर जिसमें को अनइवन ट्रांजैक्शन होगी उसको देखेंगे, सारे को नहीं देखेंगे। ये क्लैरिफाई करना सरकार का काम है, सरकार अपना काम नहीं कर रही। फिर दौस आशिकवान को शायद इकोनॉमिक इशू का पता ही नहीं है कि वो इस बातों को क्लैरिफाई करे, मेंबर FBR नहीं कर रहा, तो फिर यहाँ पे कारोबार नहीं करे तो बाकी लोगों को। मैं बात कर लूँ, मुझे तो ये लग रहा है कि जैसे हुकूमत को एक पास कोई इकोनॉमिक विजन या इकोनॉमिक फिलोसफी का कंसेप्ट ही नहीं है, यानी कि जैसे इकोनॉमिक प्रायोरिटाइजेशन किस तरह करनी है, इकोनॉमी को किस तरह लेके चलना है। इकोनॉमिक इंजन जो है, जो मईशत का इंजन है, वो तो अवाम ही चलाती है ना जी। अवाम के वो कुछ ऐसे तबकात हैं जो तजारत में हैं, सनत में हैं, ज़रात में हैं, उनको रेगुलेट करना है, और हुकूमत का काम सिर्फ डंडा चलाना या गंडासा इकोनॉमी मुतारफ़ कराना नहीं होता कि ये कर दूँगा वो कर दूँगा, आपने सबको ले के साथ चलना है। अब ताजरों की जब आप बात करते हैं तो एक दौर मुझे याद है, शहबाज शरीफ के दौर में एक ताजर रहनुमा, बाकायदा उन पर बहुत बड़ा एक बदनामे ज़माना कत्ल का केस पड़ा, और वो पहले मफरूर रहे और बाद में जाके जिस तरीके से उनको बेल आउट किया गया, वो दुनिया की तारीख में, यानी मैं समझ लूँ तफ्तीश का प्रोसिक्यूशन के निज़ाम में एक स्याह बाब है। यानी सारी दुनिया जानती कि किस तरह उनका जो वेपन है उसको तब्दील किया गया, उसको फिर एक डबलिंग की गई उसमें, यानी ट्रेडर ताजर ताजर मैं ताजर से हुकूमत इतना ब्लैकमेल होती है, आप कहना ये बात सही है कि कांटे उनके, यानी उन्होंने, यानी उन्होंने अपने जिस्मों पे लगाए हुए हैं कि यानी यहाँ पे आप बाकी तमाम तबकात को, उसार राणा को, सैफ रहमान को, रिजवान रजी को, तो आप हम वेल्थ टैक्स भी देते हैं, हम रेगुलर इनकम टैक्स भी देते हैं, साल साल से दे रहे हैं, और FIA उठा के भी ले जाती है। हाँ, तो अब ये है कि इसमें यहाँ पे आप क्यों फिर ब्लैकमेल हो रहे हैं? हाँ। या तो फिर ये है कि आपके अंदर वाकई इकोनॉमिक विजन ही नहीं है, आप समझ ही नहीं पा रहे। और फिर वही बात आ गई, वो गंडासा इकोनॉमी वाली, कि शब्बर रिजवी आके मुजाकरत कर रहे हैं, कल परसों बैठे हैं चैम्बर के, लाहौर चैम्बर के लोगों से, और फिर उनको जाके कहा जी अब मैं वजीर आजम को सारी रिपोर्ट करूंगा। हाँ। यानी वजीर आजम से जाके फिर बात करूंगा। ठीक है, वजीर आजम जो है वो एक इकोनॉमिक विजन या जो भी, हालांकि पॉलिटिकल विजन, हालांकि शब्बर साहब जो है वो तो हफीज शेख के अंडर नहीं आते,
किस में आते हैं? हफीज शेख के अंडर नहीं आते। जी मैं ये समझ रहा हूँ कि एक पूरी टीम बनाई गई है, ढांचा बनाया गया है, वो ढांचे को फैसला करने का भी थोड़ा बहुत इख्तियार तो होना चाहिए। अगर आप डिवॉल्व ही नहीं करेंगे पार, बिल्कुल वो जो निगोशिएटर है आगे जो आपके साथ मुजाकरात कर रहा है टेबल पे, वो क्या लेके आ रहा है, क्या वहां से लेके जा रहा है, ऊपर क्या बात करेगा? और ऊपर तो मैं समझता हूँ कि वैसे वो मंजिल ही ऊपर की खाली है, यानी वहां को तो आप यानी कहीं का भी किया हुआ कोई एक्सपेरिमेंट वो नहीं ले रहे आपको, यानी कि आप अगर अपना कोई नेम भी एक्सपीरियंस रखते हैं तो इतनी टेक्निकल एक्सपर्टीज अवेलेबल है दुनिया में, सही, आप उसको उससे इस्तेफादा कर सकते हैं। सही। फिर यह है कि आप अपना देखें, मैं अभी जैसे आपने अगले रोज भी मुझे पूछा कि चाइना में हम गए, तो चाइना में जो हमने उनकी तरक्की की बात की, सुनी, उनके साथ तबादला ख्याल हुआ, तो वो एक बात कहते हैं जी कम्युनिस्ट पार्टी रूल कर रही है, इश्तराकी निज़ाम राइज है बट विद चाइनीज करेक्टरिस्टिक्स। तो मुझे यहाँ से एक बात जहन में आई कि क्या पाकिस्तानी करैक्टरिस्टिक नहीं हम मुतारफ करा सकते? पाकिस्तान के भी पाकिस्तान का भी अपना एक मिजाज है, आपका जो चले टैक्स एवेजन का, सही सही, चलिए उसके मुताबिक डील करें लोगों को, बिल्कुल ठीक है, और उसके मुताबिक डील करें। पाकिस्तान के अंदर आज ये खबर जो है कि पाकिस्तान के सीनियर सहाफी जिन्होंने पनामा लीक्स को करने में, रिवील करने में किरदार अदा किया था, और पाकिस्तान के एक और नामवर जर्नलिस्ट पनामा लीक वाले तो उमर चीमा साहब है ना, पाकिस्तान के एक और नामवर जर्नलिस्ट एजाज सैयद साहब और जियो के सीनियर न्यूज़कास्टर वजी सानी साहब, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल जो है वो डीएक्टिवेट कर दिए हैं। उनके ऊपर क्या क्या प्रेशर हैं ये तो आपको भी मालूम होगा और हमें भी मालूम है, उनके साथ यकजहती के इजहार की ज़रूरत भी है, लेकिन वो हालात देखना होंगे कि क्या ऐसे हालात थे कि इन इस तरह के लोग जो हैं उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल डीएक्टिवेट किए हैं। साढ़ा तो FIA ने कहा प्रोग्राम में वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा आएंगे तो मकबूजा कश्मीर चलेंगे। वेलकम बैक कंट्रोवर्सी टुडे के अंदर आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं। मकबूजा कश्मीर में आज हड़ताल है, दुकानें बंद हैं, सड़कें वीरान हैं और इन वीरान सड़कों के ऊपर भारतीय फौजी दंदनाते फिरते हैं, जिनके हाथों में शहादत हुई बुरहान वानी साहब की और 8 जुलाई 2016 को हुई और हुकूमत पाकिस्तान ने उसको ओन किया। नवाज शरीफ साहब ने उसके उस वक्त वो वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान के, उन्होंने ना सिर्फ के यहाँ पर बल्कि अक़वामे मुत्तहिदा में भी अपने खिताब के अंदर उन्हें शहीद कहा, और उसके बाद कोई भी हुकूमत हो वो कश्मीर के मसले के ऊपर जो है वो एक ही नुक्ते के ऊपर होती है। भट्टी साहब की तरफ चलते हैं। भट्टी साहब, काउंटर प्रोपेगेंडा भी किया गया कि बुरहान वानी और उनके दोस्त जो थे वो दाइश से बड़े मुतासर हो गए थे और ताकि उनकी पाकिस्तान और पाकिस्तान के अदारों के अंदर और इंटरनेशनली जो कोई थी वो कम की जा सके, लेकिन कम हुआ नहीं उनका जी, वो पाकिस्तानियों के दिलों में उनकी मोहब्बत वैसे ही है जी। के जो अपना रिजवान साहब आज अक़वामे मुत्तहिदा की जो रिपोर्ट रिलीज़ हुई है उसको आप देखें और फिर ये जो इंडियन प्रोपेगेंडा है इसको आप देखें, आज़ादी का एक फिनोमेना है और इसमें जो शहादत है वो खून की मांगी गई है, इसके अलावा किसी शय की शहादत जो है वो काबिले कबूल नहीं होती। तो जब खून दिया जाता है, अब एक वहाँ पर जो नौजवान है ना सिर्फ ये बुरहानुद्दीन वानी बल्कि इसी तरह के सैकड़ों जो नौजवान हैं वो खून के साथ इस आज़ादी के हक में अपनी शहादत दे चुके हैं। इसको अनडू कैसे किया जा सकता है? दुनिया का कोई इदारा, दुनिया का कोई सोशल मीडिया, कोई किताब, कोई स्टेटमेंट या कोई सियासी लीडर इसको कैसे ख़त्म कर सकता है? तो खून की शहादत जो है ये बड़ी पुख्ता होती है। मेरा नहीं ख्याल कि ये जो फिनोमेना है इसको किसी तरह प्रोपेगेंडे के ज़रिए या कोई इस तरह के बेबुनियाद कहानियां गढ़ के इसको ख़त्म किया जा सकता है। और दूसरी बात ये कि जब जिस अंदाज़ के अंदर अभी तक ये जारी है और जिस तरह आज भी वहाँ आप सिर्फ यकजहती देखें, सॉलिडेरिटी देखें उन लोगों की आपस में
क्या कुछ इन्होंने नहीं किया, पैसा वहाँ पे लगा के देख लिया, लालच तरगीब ओदे सियासत के अंदर जो है वो हिस्सादारियाँ और जबर जुल्म बंदूक संगीन सब आजमा के देख लिए, लेकिन उनकी यकजहती को ये तोड़ नहीं सके हैं। ये एक इतनी बड़ी दुनिया को, मेरा ख्याल है देखें जिस चीज़ की तरफ दुनिया को तवज्जो देने की ज़रूरत है वो ये बुनियादी नुक्ता है कि अगर कश्मीर के अंदर ये सियासी तकसीम नहीं पैदा कर सके और अपनी हिमायत नहीं पैदा कर सके इंडियंस, तो इट मीन्स कि ये नहीं हो सकता कि इसको जबर के साथ जो है अपने साथ रखी रखें। देखिए जिस तरह थोड़ी सी मुझे एक होप जो है वो नज़र आई है, अगर आप देखें BLA के हवाले से जो इनका अमेरिकन का मौक़िफ़ तब्दील हुआ है, अगर इसी तरह बरतानिया अपना मौक़िफ़ तब्दील करता है और कश्मीर के ऊपर जो है वो थोड़ा सा भी ये मेरिट के ऊपर जाकर गौर करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि बड़ी वाजिया निशानियां हैं और बड़ी खुली निशानियां हैं। ये प्रेशर आने वाले दिनों में बिल्ड होने वाला है इंडियंस के ऊपर, मुझे लगता है कि ये फाइनली प्रेशर जो है बिल्ड होगा, इसको ज़्यादा देर दबाया नहीं जा सकता। कश्मीर का मसला इस वक्त लाइमलाइट के अंदर है, गो के हमारे अंदर जो खामियाँ या कोताहियाँ हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन दुनिया के अंदर इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सका। मुझे लगता है कि ये प्रेशर दोबारा बिल्ड हो रहा है और दुनिया इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकेगी, इसके ऊपर तवज्जो इन्हें देनी होगी और उसकी बुनियादी वजह वो खून है जो वहाँ का नौजवान जो है वो पेश कर रहा है और अपनी आज़ादी के लिए जिस तरह से वो लड़ रहा है, जिस जज्बे के साथ, हिम्मत के साथ और हौसले के साथ वो जदोजहद जारी रखे हुए है, इसका समर उन्हें ज़रूर मिलेगा। जी बगेरी साहब, वो शेर है काबिल अजमेरी का है, मेरा ख्याल है कि शहीदों के लहू से जो जमीन सैराब होती है बड़ी शादाब होती है, बड़ी जरखेज होती है, बड़ी शादाब होती है, ठीक। और मेरा कमाल का शेर है। लेकिन एक जो टेक्निकली मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो पता नहीं मुझे इस इशू को जोड़ना भी चाहिए कि नहीं, कि जब से FATF एक्टिवेट किया है और इंडिया उसमें बहुत ज़्यादा हमारी गर्दन पर हाथ रख के बैठा हुआ है, उस वक्त से कश्मीर में शहादतें बढ़ गई हैं, मतलब मैं इसको ऐसे को रिलेट कर रहा हूँ। और हमारा दफ्तर खारजा भी उस पर एक आध बयान दे के चुप है, हकूमत का कोई धांसू किस्म का स्ट्रॉन्ग किस्म का वर्डिक्ट नहीं आया, हकूमत की सारी दौड़ लगी हुई है कि मोदी उसका फ़ोन अटेंड कर ले किसी तरीके से। हम कश्मीर पर उतना फॉरेन ऑफिस का क्लर्क ज़रूर बोला है, लेकिन इलेक्टेड हुकूमत ने जिस धड़ल्ले के साथ बात करनी होती है वो नहीं हुई सर। असल में बात ये साहब कि जिस तरह आपने शेर पढ़ा, तो वो शेर उस वक्त लिखा गया था जो आज की स्ट्रगल में नहीं, आज से पता नहीं 10-15 साल तो पहले की स्ट्रगल, यानी कश्मीर के अंदर शुहदा के नाम से, शुहदा इस्लाम के खून के साथ जिस तरह वैली को सैराब किया गया, वही चीज़ है जिसने इस स्ट्रगल को जारी रखा हुआ। अब इसमें बुरहान वानी भी आया, इसमें मकबूल भात भी आया, इसमें अभी लेटेस्ट एक बोर्ड कश्मीर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर रफ़ी भात भी आया, इसके अंदर अपना आसिया अंद्राबी भी आई, इसके अंदर और लड़के, इसके अंदर बच्ची बच्चियाँ भी आईं जो जाके जलसों में हिस्सा लेती हैं, इनके अंदर पाकिस्तान का झंडा भी आया। ये तमाम एक ट्रेडिशन, आप कहते हैं, मैं ही इसको मतलब डिफरेंट लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक ट्रेडिशन, यानी कुर्बानी एक ट्रेडिशन बन गई, एक रिवायत बन गई, एक मजहबी फरीजा बन गया कश्मीर के अंदर। अब उसको जो अगर याद हो कि 1986-87 में वो या शुरू हुआ था जब श्रीनगर लाल चौक के ऊपर बहुत बड़ा एक गैदरिंग हुई थी जी, और वहां से शुरू हुई, लेकिन फिर ये दब गई। अब ये नई स्ट्रगल आई है, ये याद रखिए उन इलाकों से उठी जिन इलाकों पे महबूबा मुफ्ती का कंट्रोल था, और महबूबा मुफ्ती उस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस ताकत में थी, शोपियां और वो मिनिस्टर थे, और उसकी के ज़माने में इंडिया के अंदर, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये रेजोल्यूशन पास हुई कि कश्मीर को इंडिया का हिस्सा बना दिया जाए, वो फिर उसके ऊपर UNO की ऑब्जर्वेशन आ गई है। अब ये चीज़ें तो हकायक, ये लेटेस्ट हकायक के तौर पर मौजूद हैं, और उसके बाद मोदी के बाद आने के बाद जो कुछ हुआ हमारे अंदर अंदर मुख्तलिफ स्टेजेस में, आपने बात ठीक की कि हमारा कश्मीर के हिसाब से सिर्फ बयान देने तक ल्यूक वार्म रिस्पॉन्स रहा है। होना क्या चाहिए था,
होना ये चाहिए था। और उसका एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा बहुत बड़ा डेंट जो था वो डाला था परवेज मुशर्रफ ने, जब उन्होंने अपना फार्मूला पेश करना शुरू कर दिया था कश्मीरियों को इन्वॉल्व किए बगैर। आप इस तरह कश्मीर का मसला डिसाइड नहीं कर सकते, कश्मीरीज आर अ स्टेक होल्डर। तो हमारा जो ये ल्यूकवॉर्म रिस्पॉन्स रहा है, उसमें चाहे FATF का इजलास हो, उसमें चाहे भारत पाकिस्तान के ऊपर कोई इकोनॉमिक पाबंदियां हो, लेकिन उन सब को छोड़ के मुझे अपना एक दफ़ा कश्मीर का मौके, कश्मीर का नाम UNO में मेंशन करने के बाद, आपने डोजियर दिए ना इंडिया, क्या आपने डोजियर्स को फॉलो किया? दो दफा किया? नहीं किया, दोनों दफ़ा डो दो आपकी, डिड यू फॉलो? यू डिडंट। तो दुनिया आपकी गुलाम नहीं है, आप दुनिया के मोहताज हैं। तो आपको दुनिया से डिमांड करना है, कश्मीर भी आपसे चाहता है। अगर कोई थिंकिंग गवर्नमेंट होती, अगर कोई कमिटेड, कोई भी कमिटेड और एक ऑनेस्ट गवर्नमेंट होती जो कश्मीर में इतना खून बह रहा है, उन्होंने बाहर, ये जो आप इधर उधर पैसा जाया करते हैं ना, ये पैसा जाया करने के बाद आप लॉबिस्ट हायर कर चुके होते और उनको आप दे दे मुकदमा के जी ये चीज़ है, इस तरह पैलेट गन इस्तेमाल हो रही है, इस तरह कश्मीरियों को मारा जा रहा है, इस तरह औरतें अगवा हो रही हैं, इस तरह उन्हें रियासत, उन औरतों को जो है सड़क के ऊपर खड़ा करके जो है वो बेहरमत किया जा रहा है, उनके माँ बाप उनके बच्चों के सामने उनकी असमत दरी की जा रही है, उसके अंदर इंडियन आर्मी इन्वॉल्व है, फोर जो अपना BSF इन्वॉल्व है, CRPF इन्वॉल्व है, जो अपना J&K राइफल्स इन्वॉल्व है। ठीक, लेकिन ठीक, हमने इन तमाम, हम सिर्फ ये स्टेटमेंट कि जी आज बुरहान वानी की शहादत है, पूरा पाकिस्तान बुरहान वानी के पीछे सारे लोग खड़े होंगे, मकबूल बात के पीछे भी लोग खड़े होंगे, रफी बात के पीछे भी लोगों के जज्बात अपने, आप उन जज्बात को प्रैक्टिकल रियलिटी में कोई भी हुकूमत ट्रांसलेट नहीं कर सकी है, जिसकी वजह से आपको ल्यूकवॉर्म रिस्पॉन्स मिलता है दुनिया की कम्युनिटी की तरफ से। ये मुकदमा अब उस स्टेज पर पहुंचा है कि अगर अब कोई हुकूमत इस मुकदमे से गद्दारी करके फजलुर रहमान जैसा कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बनाएगी तो वो हुकूमत बहुत बड़ी मुजरिम होगी। उन मुजरिम किसकी होगी? वो जो शेर आपने पढ़ा है, शहीदों के खून की, किसी इंसान की मुजरिम नहीं होगी। बिल्कुल सही। इमरान खान साहब भी जा रहे हैं कौम मुत्तहदा से खताब करने, कोशिश है उनकी कि कोई मीटिंग भी हो जाए वहाँ पे, देखेंगे वो भी क्या करते हैं उसके ऊपर। एक तो ये, लेकिन राना साहब 50 अब जो नया फ्रेज़ आया है ना, बुरहान वानी वाला फ्रेज़, इसके अंदर हमें नज़र आता है कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, PhD स्कॉलर्स हैं या PhD हैं, मतलब या डॉक्टरेट कर ली हुई है या कर रहे हैं, ये वाले शहदा की हमें ज़्यादा तादाद नज़र आती है। प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो कि इस वक्त वहाँ से इस बगावत को लीड करते हुए नज़र आते हैं। कश्मीर के हवाले से इंडिया का एक प्रोपेगेंडा, पाकिस्तान उन्हें असला भी देता है और अपने बंदे भी भेजता है और वो सारा कुछ करता है। देखें, अब जो अब कश्मीर की सूरत हाल है, उसमें पूरी दुनिया इस बात को तस्लीम कर रही है कि ये विदन कश्मीर लहर है आज़ादी की, और इसको कहीं बाहर से कोई सपोर्ट हासिल नहीं है। ये मैं समझता हूँ कश्मीरियों की इतनी बड़ी कामयाबी है कि दुनिया इस बात को, अब अमेरिका ने जो अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट कश्मीर के हवाले से पेश की है, उसमें उसने इतराफ़ किया है कि वहाँ पे इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है और जुल्म मुस्तम हो रहा है। फिर उसके बाद ब्रिगेडियर साहब की जो बात है, मैं उसे थोड़ा सा बस एहतराम मैं इख्तलाफ़ रखता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि देखिए, पाकिस्तान कभी भी इतना इंडिपेंडेंट नहीं रहा कि वो अपनी खारजा पॉलिसी अपनी मर्ज़ी से चला सके। ये कड़वी हकीकत है, लेकिन ये हकीकत है। हम हमेशा से गुलाम रहे, हमारी खारजा पॉलिसी, हमारे फैसले वो सम हाउ वाइट हाउस, पेंटागन, इधर उधर से वो मशरूत होते हैं। इसके बावजूद भी, और ये हमारी माजी के सियासतदान जितने भी आए, मैं उनको किसी को भी पसंद नहीं करता, वो सब मुल्क को तबाह करने वाले थे, लेकिन अवाम की कश्मीर से मोहब्बत इस सतह पे है कि किसी हुक्मरान को जुर्रत नहीं है कि वो कश्मीर काज से पीछे हो जाए, चाहे आप फजलुर रहमान को उसके ऊपर बिठा दें। बेनजीर भुट्टो की तो एक गवर्नमेंट इस पे चली गई थी कि उसने कश्मीर का बोर्ड हटवा दिया था, ठीक है ना। सो कश्मीर से जो कमिटमेंट है पाकिस्तान की, पाकिस्तानी अवाम की, वो इतनी मजबूत है कि किसी हुकूमत में जुर्रत ही नहीं है कि वो कश्मीर काज से अपने आप को एक साइड पर कर दे।
سو یہ ایک پاکستان کے حکمرانوں کی نہ ہو کمٹمنٹ جیسے بریگیڈ صاحب کہہ رہے ہیں, لیکن پاکستان کے 20 کروڑ افراد کے دل دھڑکتے ہیں کشمیر کے ساتھ. ٹھیک. اور مجھے صرف دو جملے کہنے دیجیے گا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم تو اتنے بے حس ہیں کہ ہم تو جب آپ اب یہاں سے نکلیں گے گھر جاتے ہیں فٹ پاتھوں پہ کتنے لوگ پڑے بے ہوش مل رہے ہوتے ہیں, نوجوان گرے پڑے ہوتے ہیں, عورتیں اپنے بچوں کو لے کے سڑکوں پہ بیٹھی ہوتی ہیں مانگنے, تو ہمیں کچھ نہیں ہوتا, ہم اتنے ڈھیٹ اور مضبوط ہو گئے. لیکن اس کے باوجود بھی میرا دعویٰ ہے کہ لوہے کے دل رکھنے والا پاکستانی بھی جب کشمیریوں کی وہ ویڈیو دیکھتا ہے جس میں مائیں اپنے بیٹوں کے جنازوں پہ چیختی ہیں تو دل پہ چوٹ لگتی ہے, دل پہ اثر ہوتا ہے. ٹھیک. سو جو وانی صاحب کا سب سے بڑا کارنامہ نا سر, وہ یہ ہے کہ ایک وانی نے اپنی جان دے کے کئی لاکھ وانی وہاں پیدا کر دی ہیں. اب ہر اسٹوڈنٹ وانی ان کا ہیرو ہے, وہ اس کو فالو کرتا ہے. ٹھیک. اور سب سے بڑی چینج یہ آئی کہ جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے مقبوضہ کشمیر کا, وہ پہلی دفعہ اس جد و جہد کا حصہ ہے. یہ وہ فیز ہوتا ہے جب انٹلیکچوئل کسی جد و جہد کا حصہ بن جائے تو پھر آپ سمجھ لے کہ وہ رک نہیں سکتی. بالکل صحیح. اچھا میاں صاحب, کشمیر کے اوپر موجودہ حکومت نے بڑا کمال کا کارنامہ سر انجام دیا ہے. پاکستان میں کشمیر کاز کے جو فرنٹ رنر ہیں حافظ سعید صاحب, ان کے اوپر ٹیرر فنانسنگ کا مقدمہ درج کیا ہے. کرنے مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن حافظ سعید صاحب تو کر ہی کشمیر کی جد و جہد کو سپورٹ رہے تھے, تو کیا ہماری حکومت نے کشمیر کے اندر جاری جد و جہد کو ٹیررزم کی جد و جہد کہہ دیا ہے یا ٹیررزم کہہ دیا ہے؟ آپ دنیا میں اپنا ڈرائیو کر خلاف ہی لڑ رہے ہیں آپ تو اپنے, یہ تو دنیا میں ایک مقدمہ جو یعنی کھڑا کیا گیا آپ کے خلاف, اس میں تو آپ خود ہی اعتراف کر رہے ہیں اقبال جرم کر رہے ہیں اس طرح کے معاملات میں. دیکھیں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو انتفادہ ہے نا کشمیر کا, وہ واقعی ایک بالکل نئی جہد اور نئی ولولے کے ساتھ ابھرا ہے, اور اس کے بارے میں باقاعدہ بھارت کے آپ نے کہ بہت سے انالسٹ بھی اور بہت سے ان کے کمانڈرز بھی, میں بریگیڈیئر صاحب نے ان کے پڑھے ہوں گے بیانات, انہوں نے بھی کہا کہ جی یہ شمال سے جنوب دیہات گاؤں قصبے شہر یعنی جہاں جہاں بھی کبھی اس کے بارے میں تصور نہیں پایا جاتا تھا انتفادہ کا وہاں آیا, اور یہاں پہ جبر اور بھارت کا وہ جو خوفناک پروپیگنڈا آفینسو جس کا ہم نے کبھی اپنے طور پہ منظم کاؤنٹر پروپیگنڈا نہیں کبھی کیا, ایک تسلسل کے ساتھ جس طرح وہاں سے ہوا ہے, اس کو بھی کشمیریوں کے لیے کشمیریوں کی جد و جہد نے انتفادہ نے اس کو ڈیفیٹ دے دی ہے, شکست دے دی ہے. اب یہ ہے کہ جیسے اب یہ بات ابھی کی گئی نا جو لابسٹ کی, یہ واقعی میں خود بھی دو تین مرتبہ دیکھا میں نے امریکہ میں یا ایون باقی ممالک میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اتنی لابنگ کی یعنی بھارت نے کہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہاں پہ جا کے بہت زیادہ یعنی آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے. جی یعنی آپ کو باقاعدہ ان کو بتانا پڑتا ہے کہ جناب یہ کاز جو ہے ایک جینوئن کاز ہے, فریڈم سٹرگل ہے, اور یہاں پہ یہ کوئی زمین کا جھگڑا نہیں ہے کہ جس پہ کوئی پاکستان قبضہ کرنا چاہتا ہے اور بھارت سے چھیننا چاہتا ہے. ایسے بھی میں نے وہاں پہ بہت سے تبصرے سنے باہر کے ممالک میں. تو ایک مرتبہ مجھے جانے کا اتفاق ہوا کہ ایک صاحب کو میں نے بڑی محنت کرتے دیکھا, وہ مسعود خان ہیں یہ جو کشمیر کے غالباً صدر ہیں آزاد کشمیر کے, ان کو میں نے اتنی لابنگ کرتے دیکھا اتنی پیشنیٹلی دیوانگی کے ساتھ, تو مجھے خوشی ہوئی کہ کم سے کم یہ جہاں جاتے ہیں وہ بات کرتے ہیں. لیکن یہ کہ اس طرح کے اور کام ہمارا میڈیا کو بھی کرنا چاہیے. جی بالکل. جیسے میڈیا کے رائٹرز ہیں جن کو باہر انٹرنیشنل لیول پہ نہیں ہم رائے ملتی ہے, ہم نے تو غلام نبی فائی جیسے بلند لوگ جو تھے اچھے تعلقات رہے وہ لکھتے رہے ہیں, مطلب کشمیر میڈیا لیکن وہ بھی اب نہیں, ان کو ہم نے بھارتی مرنے دیا, اس کے مدافعت میں پاکستان حکومت نہیں اتری. اور بغیر سے پاکستان حکومت کیا اترے, اس کے تو سفارت خانے کے اوپر ایک مخصوص رنگ سے باہر سفارت خانے کے ایک مخصوص فاصلے سے آگے جانے کے لیے اجازت کی ضرورت ہے. تو اس صورت کے اندر ہم نے کیا, میرا مطلب ہے لابنگ کرنی ہے. میں سب سے بڑی جو اس میں ایک اور جو کلپرٹ ہے میری نظر, وہ ہے آزاد کشمیر کی گورنمنٹ. آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کو آؤٹ آف دا وے پرائیویٹلی بھی اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی کچھ وہ چیزیں کرنی چاہیے جس سے کانسٹنٹلی دنیا کے جو لیڈنگ کیپیٹلز ہیں وہاں کشمیر کا جھنڈا جو ہے یا کشمیر کا جو پلے کارڈ ہے وہ چلتا رہے. صحیح. کتنے کشمیری باہر سیٹل ہیں. جی. اصل میں ہماری جو آزاد کشمیر کی گورنمنٹ ہے وہ تو گورنمنٹ میں ان کو پیسے مل رہے ہیں, تنخواہ مل رہی ہے, گڈیاں دبائی جا رہے ہیں, فنڈ مل جاتا ہے, وہ اپنا پاکستان گورنمنٹ سے ریلیز ہو جاتا ہے,
وہ دے آر وہ جو مر رہے ہیں وہ ہیں وہاں پر ہیں, یہ جو ہے یہ یہاں پہ دے آر سٹنگ ان ایئر کنڈیشن سسٹم. تو یہ جب تک جب ایک کوارڈینیٹڈ ایفرٹ نہیں ہوگی نا, ہوگی, اور اس میں پولیٹیکل ایفرٹ آپ کو چاہیے, آپ کو لابیسٹ ایفرٹ چاہیے. آپ کشمیری آپ سے آج دیکھیں آج کتنی چینج ہے رضی صاحب, کشمیری آج آپ سے ہتھیار نہیں مانگ رہا, کشمیری آج آپ سے گولی نہیں مانگ رہا, وہ کہتا خدا کے واسطے میرے نام کو زندہ رکھو. تو اس زندہ رکھنے میں کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے ان کی ڈیمانڈ اور ہم شاید اس طرح ان کی ایکسپیکٹیشن پہ پورا نہیں اتر رہے, لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان حکومت نے کشمیر کا مقدمہ مرنے نہیں دیا, ختم نہیں ہونے دیا, اور وہ زندہ رکھا ہے اور اپنی مجبوریوں کے ساتھ رکھا ہے. اب یہ دیکھیں کہ انڈیا اور سری لنکا کے میچ میں گراؤنڈ کے اوپر کشمیر کا ہیلی کاپٹر کے ذریعے بینر لہرایا گیا, وہ تو بلوچستان کا بھی لہرا دیا گیا. برابر کر دیا نا, حساب تو برابر کر دیا نا. ہمارا بلوچستان والا تو دیکھیں خود امریکہ نے مان لیا کہ وہ لوگ غلط ہیں, ٹھیک ہے, لیکن کشمیر کے اوپر تو کسی نے ایسا کچھ نہیں کیا. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح اپنا مقدمہ لڑیں, اور وہ ٹھیک ہے کہ شاید ہم اس طرح نہیں لڑ پا رہے جس طرح لڑنا چاہیے, حق ادا نہیں کر پا رہے, لیکن ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں اپنی بساط اور اوقات کے مطابق. اور ایک چیز اور, میں ایک سب ایک جملہ, سوری سر ہاں جی ہوں چین تو ہو گیا ہے تھوڑا زیادہ بول رہا ہے, لیکن میں صرف ایک جملہ یہ کہوں گا کہ دسمبر تک بھارت کا ایف اے ٹی ایف سے انفلوئنس ختم ہو جائے گا, چین کے پاس چلا جائے گا. میرا ذاتی خیال ہے کہ ہم نے کشمیر کوز کو بطور کوز نہیں متعارف کرا پائے دنیا میں, یعنی کہ یہ بھی تو نا کہ آپ بتائیں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ بہت سی جگہوں پہ ڈپلومیٹس ہمیں باہر کے ممالک ملے, ان کے یار یہ کوئی زمین کا جھگڑا ہے پاکستان اور انڈیا کا, یعنی یہ وہ بھلے ان کے اندر کوئی انٹرسٹ نہ ہو ہمارے بارے میں انڈیفرنٹ ہوں, لیکن ہم تو اس کوز کو کبھی پروموٹ ہی نہیں کیا گیا اس ایک منظم طریقے سے, ایک تسلسل کے ساتھ. اتنے آپ کے ڈیسک بنے ہوئے ہیں, اتنے آپ کے فورن ڈپلومیٹس ہیں, اتنا بڑی آپ کی ڈپلومیٹک کور ہے جی, اور کیا کام کر رہی ہے جی, ہمارے ڈپلومیٹ کیا کام کرتے ہیں اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں. پاکستان کے ایک انتہائی دوست ملک کے کیپٹل میں جب ہم گئے تو پتہ چلا کہ وہاں پہ جو پاکستانی ریسٹورنٹ ہے وہ ان صاحب نے کھولا ہے جو 6 سال پہلے یہاں پہ امبیسڈر بن کے آئے تھے, اور پھر اس کے بعد وہ واپس نہیں گئے, اور وہ وہاں پہ ریسٹورنٹ چلا رہے ہیں اور لوگوں کو پاکستانی کھانے کھلا رہے ہیں. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نئے موضوعات تبصرہ نگاروں اور تبصروں کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.